दोनों ने सोचा चल यार चाइना जाते हैं। नहीं यार अपने को तो उधर की बात भी नहीं आती यार अपुन के साथ। नहीं यार अपुन चाइना जाते हैं यार, बोलते हैं बिजनेस बहुत है। अरे अपने को बात ही समझ में नहीं आएगी, अपन बिजनेस क्या करेंगे। अरे तू चल रहा है यार मेरे साथ में, मैं तेरे को बोल रहा हूँ एक नंबर बिजनेस, एक नंबर पैसा, यहाँ मुंबई में आके फिर सेटल। अरे यार, अरे तू चल यार, दोनों तैयारी करते, दोनों चीन पहुंचते। अब आपको ये ध्यान में रखना होगा कि दोनों को वहां की भाषा नहीं आती, दोनों चाइना पहुंच गए। दोनों चाइना में एंट्री मारते, अब घूम रहे, दोपहर हो गई, शाम हो गई, अब भूख लगने लगी। अब इनको इतनी जोर की भूख लगने लगी, बर्दाश्त नहीं हो रहा, कोई इनको भाषा समझ ही नहीं है। तो दोनों यार एक काम करते, अपन होटल में जाते, इशारे में बात कर लेंगे, सबसे बड़ी भाषा इशारे की भाषा है, अपन उसको बताएंगे सबसे बड़ी भाषा इशारे की जबान है, समझ जाएगा। चल अरे नहीं, अरे तू चल यार, अभी होटल में जाके बैठते। दोनों होटल में जाके बैठते, अब जो दोस्त, दोनों दोस्त में से एक दोस्त वेटर को बुलाता है। वेटर शरीफ रहता है, वेटर भी आ जाता है। अब दोनों को भूख लगी है, अब वहां की भाषा आती नहीं, अब दोनों अब वेटर समझ जाता है इन लोगों को भूख लगी है। तो वेटर आता है, एक प्लेट लेकर आता है, वेटर दोनों के सामने रखता है। अब दोनों खाते हैं, दोनों भी खाना खाना शुरू करते, खाते खाते दोनों आपस में बहस करते। बोला तो यार मेरे को लग रहा है ये मुर्गी का गोश है। यार मेरे को लग रहा है बदक का गोश। नहीं मुर्गी का है, बदक का इतना बड़ा बड़ा टांग रहता है, मुर्गी का है। नहीं यार मेरे को बदक का लग रहा है। अबे नहीं मुर्गी का है। अरे नहीं यार बदक, अबे मुर्गी का नहीं यार। अबे एक काम करते अपन वेटर को बुलाते, वेटर से पूछते, वेटर बताए। फिर लो वेटर वाप, तो वेटर शरीफ होता है, वेटर आता है। वो प्लेट की तरफ इशारा करता है दोस्त, बैरा मुंडी हिलाता है। तो दूसरा दोस्त प्लेट की तरफ हाथ करके बोलता है, वेटर फिर मुंडी हिलाता है। ये दोनों पूछते हैं, तो वेटर बोलता है